भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजनाथ जी, श्री अमित भाई, सभी प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%, जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम, इसका मतलब है कि जनता ने भी
भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए बरसों प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। और साथियों, इस पर वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए।